पाकिस्तान में चुनाव का वक्त नजदीक है और इसी के साथ राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में चुनावी खबरों में एक ऐसा नाम है जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है, वो नाम है सवीरा प्रकाश का। जी हाँ, सवीरा प्रकाश जो कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक यानी कि हिंदू हैं और अपने चुनावी बिगुल को फूंक दिया है। सवीरा प्रकाश ने खैबर पख्तूनवा के बुनेर जिले में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आज तक से खास बातचीत में सवीरा ने अपनी राय बिल्कुल बेबाकी से रखी। मैं एक सिंपल लड़की हूँ, रूरल एरिया से। ठीक है, मैंने MBBS किया है। MBBS भी मतलब वही ह्यूमैनिटेरियन व्यू से, पैशन से, मतलब उस डिजायर से किया था। पर उसमें फिर मुझे जब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रही थी, उसमें मैंने कुछ इश्यूज देखे हैं जो मुझे लगा कि मतलब ज्यादा अथॉरिटी के बगैर सॉल्व नहीं होंगे। तो इसलिए फिर मुझे रास्ता पॉलिटिक्स ही मतलब शो हुआ है, तो पॉलिटिक्स की तरफ ही आना पड़ा। स्टार्ट से मेरे फादर पॉलिटिक्स में थे, तो उनसे भी मतलब वो मैंने डायरेक्शन फिर ली, उनसे भी पूछा। उनसे वैसे भी मतलब बचपन से ही मतलब इस पॉलिटिक्स में हम बड़े हुए हैं, काइंड ऑफ ग्रेडर से ही हम मतलब इससे रिलेटेड है। तो फिर पॉलिटिक्स फर्स्ट ही चॉइस थी। पहली महिला है, हिंदू महिला है, माइनॉरिटी कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं पाकिस्तान में, जो जिन्होंने नामांकन किया है और अब आप 2024 में इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। आप खैबर पख्तूनवा में रहती हैं, बहुत विवादित जगह भी वो है, वहाँ एक हिंदू परिवार का रहना कैसा है, क्या कैसी वहाँ की जीविका होती है, अगर आप हमें थोड़ा सा और बता सकें। जो बेसिकली जो मेरा रीजन है जहाँ पे मैं रहती हूँ बुनेर डिस्ट्रिक्ट में, वो तो मतलब बहुत ज्यादा पीसफुल है। मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा पीसफुल है। लाइक वैसे भी रूरल एरियाज मतलब पीसफुल होते हैं ना, पर जो लाइक इंटरेक्शन है लोगों का आपस में, जो मतलब कभी ये फील नहीं हुई, डिवीजन टाइप फील नहीं हुई कि मतलब मैं माइनॉरिटी से हूँ, वो मुस्लिम्स है या कुछ भी, मतलब इन्होंने कभी फील नहीं किया। एक ही कल्चर है, पश्तून कल्चर, हम बस मतलब एक ही कल्चर के हैं, तो कभी मतलब डिवीजन नहीं फील कराया। खैर, मेडिकल की पढ़ाई के बाद राजनीति में वैसे आना कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन सविता ने जो विजन बताया है वो काफी खास। बेसिकली मेरा एजेंडा है दोनों वुमेन और माइनॉरिटी दोनों के लिए काम करना। ये KPK में थोड़ा सा वुमेन का भी थोड़ा वो है, डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी है ना। जेंडर इक्वालिटी इतनी ज्यादा नहीं है जितने मतलब प्रोग्रेसिव, थोड़े पंजाब वगैरह प्रोग्रेसिव है इस मामले में। तो दोनों का मतलब कह ले कि एक ही लेवल पे यहाँ पे चल रहा है इस बेसिकली इस प्रोविंस में ज्यादा। तो दोनों के लिए मतलब वो काम करने, इक्वलिटी मतलब कि यही दोनों के सिमिलर ही मसले जो एजुकेशन में या फिर एम्प्लॉयमेंट वगैरह में, रिप्रेजेंटेशन में, मतलब ना वुमेन के ना माइनॉरिटी के रिप्रेजेंटेशन है ना, मतलब एजुकेशन में फिर मतलब थोड़ा सा वो आ जाता है। तो दोनों के सिमिलर मसले है, तो सिमिलर अप्रोच लेके दोनों को मतलब सॉल्व करने हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं और वक्त वक्त पर पाकिस्तान में हिंदुओं पर ज्यादती की खबरें आती है। वक्त वक्त पर ऐसी खबरें भी आती है कि हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। ऐसे में जब हमारी संवाददाता अनामिका गौड़ ने इस मुद्दे पर सवीरा प्रकाश से बातचीत की तो उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बुनेर की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ से तो मतलब कोई भी कहीं भी नहीं गया। जो बचपन से मैंने मतलब सारे देखे हुए वही है, माइनॉरिटी के भी मतलब सारे इधर ही है। अगर मतलब हाँ जो मसले थे मतलब सिक्योरिटी वगैरह से डर के वो अगर जा रहे बाहर, तो वो पॉसिबल है, हाँ ये हो सकता है। पर उसके लिए भी सिर्फ यही मतलब मैं कर सकती हूँ कि लॉ में मतलब जाके रिप्रेजेंट करूँ कि लॉ में जो राइट्स दिए हुए हैं कि उन पे थोड़ा सा फोकस करें और अपना फ्रेमवर्क जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर बनाए, क्योंकि राइट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब सिर्फ वो स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क नहीं है। उसके लिए रिप्रेजेंटेशन ही चाहिए और मतलब कुछ नहीं, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन। पाकिस्तान के जो ओवरऑल हालात हैं आप उन्हें कैसे देखती हैं, अगर उन्हें सुधारा कैसे जा सकता है, क्योंकि अगर हम हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो वो बहुत
पिछड़े हुए एरियाज भी हैं पाकिस्तान में, उन्हें कैसा सुधारा जा सकता है? क्योंकि आप पढ़ी लिखी हैं, आप डॉक्टर रह चुकी हैं, अभी प्रैक्टिस भी कर रही हैं, तो आपका क्या सुझाव होगा उन चीजों को लेके? मेरे ख्याल से हर मतलब जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, उसका एक ही सोल्यूशन है, एजुकेशन। एजुकेशन से एक तो जेंडर इनइक्वालिटी भी खत्म हो जाएगी, जो पॉवर्टी इकोनॉमी जो है वो भी स्टेबल हो जाएगी, फीमेल का पार्ट आ जाएगा। साथ साथ एजुकेशन से मतलब मैं माइनॉरिटी को भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो माइनॉरिटी का बेशक थोड़ा सा पार्ट है, थोड़ा सा चंक है, पर 50% फीमेल्स तो है ना, दोनों को रिप्रेजेंट करना है मैंने। तो एजुकेशन मेरा सबसे मेन, ज्यादा फोकस एजुकेशन पे होगा, क्योंकि अभी 2022 से 2023 ईयर में भी मतलब 1.5% सिर्फ पाकिस्तान का बजट एजुकेशन पे था, तो मेरे ख्याल से ये बहुत कम है। और एजुकेशन ही सोल्यूशन है जितने भी प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान में, अवेयरनेस क्रिएट मतलब एजुकेशन ही, एजुकेटेड लोगों की जरूरत है। भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर भी सवीरा ने बेबाकी से राय रखी और पीएम मोदी के लिए कहा कि वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। दोनों के आपस में रिलेशंस मतलब मुझे पॉजिटिव नजर आ रहे हैं ना, कि अभी हमारी साइड से फॉरेन मिनिस्टर चलो गए थे बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की साइड से, वहां पे मतलब मोदी की गवर्नमेंट है, तो दोनों के मुझे मतलब वो वही लग रहा है कि दोनों के रिलेशंस काइंड ऑफ अच्छे की पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे, दोनों के मतलब प्रोग्रेस हो रहा है। पर्सनालिटी वाइज अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की, बहुत चर्चा होती है प्रधानमंत्री मोदी की, तो उनकी कुछ बातें आपको पसंद है या उनकी कुछ बातों से आप सहमत हैं? उनकी कुछ जो डिसीजंस हैं, आप उनको कैसे देखती हैं जो भारत में लिए जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी उनका बहुत असर पड़ता है? हाँ जी, कंट्रोवर्सीज थोड़ी है, पर मुझे उनकी वो पर्सनालिटी मतलब काफी वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी टाइप है ना, जिससे मतलब जो मतलब दिल करता है कि लाइक मतलब उनकी प्रेजेंस में बंदा रहे, सिंप्लिसिटी है उनमें, पर साथ में मतलब वो स्ट्रेंथ टाइप, वो पावर टाइप फील होती है, तो उससे फिर थोड़ा सा वो बंदा इंस्पायर तो ऑब्वियसली होता है। मतलब भारत हो या फिर पाकिस्तान, पीएम मोदी का जलवा बिल्कुल कायम है।